असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला आई होपन ब्रेक आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे मदद से अपनी लाइफ गुजारे होंगे आज हम पढ़ेंगे कोसकोड पी एस वाई फोर जीरो टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर फाइव एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में स्टडी करते हैं वेरिएबल्स को वेरिएबल्स क्या होता है बड़ा इजी सा ही ये लेक्चर है क्योंकि ये चीज़ें हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं वेरिएबल वेरिएबल इज एन एलिमेंट फीचर और फैक्टर दैट कैन चेंज सच एज वैल्यू एक ऐसा एलिमेंट है, है एक ऐसा फैक्टर है जो कि चेंज करता है वो वेरी करता है इसमें करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है कोई वैल्यूज भी हो सकती हैं वेरिएबल बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रोसेस में वेरिएबल को जनरली यूज किया जाता है साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में ये डिटरमाइन करने के लिए कि If to one thing, अगर एक चीज को चेंज किया जाए तो उसका कितना इफेक्ट होता है कि दूसरी चीज उस एक को चेंज करने से दूसरी चीज चीज कितनी चेंज होती है अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ द वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड कॉन्पाउंडिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड मैनिपुलेटेड बाई द एक्सपेरमेंट और एक्सपेरिमेंटर की तरफ से मैनिपुलेट किया जाता है जब हम इनकी एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको ये समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल एक ऐसा जिसको मैय किया जाता है एक्सपेरिमेंटर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अफेक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजिंग्स होंगे मुझे लगता है मुझे इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए आप लोगों को इसका पता होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आ, उसमें अगर हम कोई चेंजिंग्स करेंगे तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे जैसे कि सी, स्लीप डेप्रिवेशन की एग्जांपल ली हुई है कि जो हम आ, सोते हैं जितना कम सोएंगे उसको परफॉर्मेंस देखेंगे टेस्ट पे तो उस पर हमारी जो टेस्ट परफॉर्मेंस है वो उतनी लो होगी अगर उसको उतना ज्यादा नींद पूरी होगी इंसान का माइंड फ्रेश होगा उसकी टेस्ट परफार्मेंस अच्छी होगी लेकिन अब इसमें कुछ और मसले मसाला हैं जो कि हम अगले वेरिएबल्स देखते हैं तो हम समझेंगे कंपाउंडिंग वेरिएबल कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल हैव इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट करता है अब देखें जो रियल रिजल्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट कर रहा है और उसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं लेकिन जब इसके साथ साथ कोई और वेरिएबल्स भी अफेक्ट करें डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं निकलते लेकिन और वेरिएबल बहुत सारे हैं जो कि डिपेंड करते हैं अफेक्ट करते हैं उन्हें हमें कंट्रोल करना पड़ता है और कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते अब जैसा कि कंफाउंड वेरिएबल में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कॉफी ड्रिंकिंग की जो इन्होंने दी हुई है कॉफी ड्रिंकिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है अब हमने देखना है कि जो इंसान कॉफी पी रहा है ज्यादा उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है कि वो हार्ट डिजीज है हार्ट का पेशेंट हो जाएगा वो उसके हार्ट पे इफेक्ट करेगी जो काफी अब हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉफी ड्रिंकिंग पीने से ज्यादा पीने से हार्ट डिजीज में कितना मतलब इंक्रीजमेंट होती है लेकिन साथ साथ जो हमारे पास सब्जेक्ट है जो पार्टिसिपेंट है जिसके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे ज्यादा कॉफ़ी पिला रहे हैं अगर वो सिगरेट स्मोकर हो तो उसके ऊपर तो उसके हार्ट पे तो सिगरेट स्मोकिंग के इफेक्ट भी होंगे तो ये सिगरेट स्मोकिंग एक कंफाउंडिंग वेरिएबल आ गया अंदर जो हम नहीं चाहते जिसे हम नहीं लाए लेकिन हमें इसे कंट्रोल कैसे करना है कि हमें पहले देखना है कि हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर उप, ये एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं क्या वो सिगरेट स्मोकर तो नहीं है एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है क्या फजूल ठीक है ना चाहते हुए भी एक्सपेरिमेंट्स में आपके रिजल्ट्स में अफेक्ट कर देता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल फॉर एक्जाम्पल आपका ले, 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 सॉरी लेबॉर्टरी का टेम्परेचर उसके नॉइस अगर उसमें कोई होगा तो वो भी अफेक्ट करेगा आपके रिजल्ट पे

इन्वेस्टिगेट कर रहे है जो एक्सपेरिमेंट को वो बई तो नहीं है उस, उसकी तरफ से कौन सा से इफेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आपके रिजल्ट में रिजल्ट पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं डिमांड करेक्टरिस्टिक्स जो मतलब हमने मुझे अब याद नहीं है किसी और सिलेबस में इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो आपकी डिमांड्स होती हैं रिजल्ट के बारे में ठीक है वो अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैफीन था डिपेंडेंट वेरिएबल हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पर कितनी चीजें इफेक्ट हो सकती है अदर uh, वेरिएबल जो उस पर इफेक्ट हो रहे हैं टाइम ऑफ द डे या कितने अरसे के लिए आप वो कैफी यूज करता है या टी कॉफी या उसके ऊपर नॉइस भी आ रहा है तो ये दूसरे वेरिएबल वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट के साथ फजूल में इफेक्ट कर रहे हैं जिन्हें आपको कंट्रोल करना है वेरिएबल की टाइप्स हैं साइंस ने कोशिश की है वर्ड को एक्सप्लेन करने की डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करते हुए जैसे कि ग्रेविटी जो एक फिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट जो अकम्पलिश करता है अपने गोल को ये रिलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जैसा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि कितनी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है हाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल है कि उस ऑब्जेक्ट की गिरने की स्पीड कितनी है जिसमें वो जमीन को हिट करेगा अब कोई हैवी चीज होगी तो वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगी यहाँ पर अब जो साइकोलॉजी uh, की तरफ से जो एक एक्सपेरिमेंट uh, ग्रेविटी के साथ रिलेट कर रहा है जैसा कि ग्रेविटी तो फिजिक्स का हो गया ये जो हमने ऊपर देखा आर्स ऑफ डेप्रीवेशन कितने uh, कितना अगर आप किसी इंसान को भूख ऐसा रखते हैं उसमें

अब उनके पास जब वो बार प्रेस करते हैं उसको तो उसके अंदर से पानी निकलता है अब वो कितनी तेज़ी से वो बार प्रेस करते हैं ठीक है कितनी उन्हें जितनी शदीद प्यास लगी होगी वो उतनी तेज़ी से बार को प्रेस करेंगे इसकी एग्जांपल अब ह्यूमन्थ के साथ भी रिलेट की जा सकती है कि जब आप गर्मी से आते हैं तो आपकी उतनी तेज़ स्पीड होती है किचन की तरफ जल्दी से आपको पानी मिले और अगर आप घर आते हैं आपको भूख या प्यास नहीं लगी होती यू कैन यू रिएक्ट नॉर्मल अब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है

आर्स ऑफ डिप्रेशन डिप्रीवेशन कितने घंटे रखा गया है और उसका फिर uh, कितना उसे प्यास लगी है और वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रिंक से उसका जितना वो पानी पीता है कि उसका क्या वॉल्यूम है और फीडिंग ड्राई फूड अगर उसने खुश फूड खा लिया साथ कोई तो उसे फिर और uh, ज्यादा प्यास लग जाएगी और रेट ऑफ बार डिप्रेसिंग भी ज्यादा होगा अब यहाँ पे स्टडी की एग्जाम्पल ली गई है ऑफ स्टडी परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट जब आप चेक करते हैं जितनी स्टडी आपने की जितनी स्टडी की उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी डायरेक्ट रिलेशन तो हो गया लेकिन अब आपको उसमें याद कितना रहा है ठीक है रिटेंशन कितना आपको याद रहा है दैट इज इन डायरेक्ट रिलेशन कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होता है कि जिनको एक्सपेरिमेंटल की तरफ से एक्सपेरिमेंट्स को हेल्ड um, करते हुए दूसरे वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी बंदे का किसी पार्टिसिपेंट पे पे सब्जेक्ट आप जब कर रहे हैं तो उसको वो कितनी देर सोया है? उसकी नींद पूरी आई है ये ना और वो रूम में सो फिर उसका मेमोरी परफॉर्मेंस कितनी है ये वो चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट करवाते हैं अब इंट्रेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स कंसेप्ट ऑफ इंट्रेक्शन के इंट्रेक्शन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जब इफेक्ट करते हैं किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल टॉप पैनल है सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे बट नॉट द अदर मतलब एक एक सेकंड इंडिपेंडेंट पे वो इफेक्ट कर रहा है लेकिन दूसरे पे नहीं कर रहा मिडिल पैनल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्ट्रोंगर इफेक्ट कर रहा है वन लेवल ऑफ द

रिक्वायरिंग पीपल टू मेमोराइज करें थ्री लेटर्स ले बस ये एग्जाम्पल है अगर आप लोगों को आपने ये मेमोराइज करवाने हैं तीन लेटर्स अब उसमें ये चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं जो हम रिलेशन देखेंगे कि जितनी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा बच्चा अगर वो उतनी ही ज्यादा रिहर्सल कर लेता है तो उसके और रिजल्ट होंगे अगर वो उसे इंटेलिजेंट है लेकिन वो कम टाइम रिहर्सल करता है लेकिन रिजल्ट उसका भी उतना ही सेम आता है क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट था उसे कम टाइम में भी उतना ही टाइम लगेगा अब इंटेलिजेंट नहीं है उसे उतनी रिहर्सल ज्यादा करवानी पड़ेगी समझ आई तो इस तरह इसके कितने ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं जो आपस में बन जाएंगे अब इंट्रैक्शन बिटवीन वेरिएबल्स एबल्स की आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं आगे एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसको टाइटल दिया गया था वेन गॉड सेंशन सेंक्शन बशमैन ने रिज ने डेके एंड बुसत ने इसे डिस्क, डिस्क्राइब किया था एग्रेशन की स्टडी को लेबोरेटरी में ठीक है मतलब लेबॉरटरी में क्यों किया ताकि वो उनके एग्रेशन को कंट्रोल भी कर सके पार्टिसिपेंट्स अब उन्हें क्या किस तरह उनपे रिसर्च की गई कि पार्टिसिपेंट्स को एक मैसेज दिया गया पढ़ने के लिए रीड करने के लिए उन्हें बताया गया कि ये बाइबल बुक्स आया या किसी बहुत पुराने आप कर लें हिस्ट्री का ठीक है अब उसमें कुछ दो पार्टिसिपेंट्स थे ना अब कहा, एक कहा एक जो ग्रुप है उनको ये बताया जाता है के सॉरी एक ग्रुप वो है जो के गॉड पे बिलीव रखता है ठीक है और दूसरा ग्रुप है जो के गॉड पे बिलीव नहीं रखता अब ये जो बाइबल बुक है अब ये तो बुक्स तो सारी अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं अब जो एक ग्रुप है अब सॉरी पहले हम ये देख लेते हैं कि उन दोनों ग्रुप्स को ही नहीं बताया गया कि जो बाइबल बुक है ये अल्लाह ताला की तरफ से है ये कोई या

अब दूसरी दफा दोनों ग्रुप्स को बताया जाता है कि जो बाइबल है ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई बुक है और ये जो मैसेज आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ये अल्लाह ताला की तरफ से है ठीक है अब जो आ, बिलीव कर अल्लाह ताला के बिलीव रखते हैं वो ज्यादा अग्रेसिव शो करेंगे जो कि नहीं रखते वो कम करेंगे मतलब मीन्स अब उस पैराग्राफ में कुछ भी हो सकता है कि, कि किसी के बारे में ज्यादा सख्ती का हुक्म दिया गया किसी चीज के बारे में तो वो उस अल्लाह तला तो यकीन रखते हैं तो वो ज्यादा अग्रेसिव ही होंगे जो बताया गया होगा उस पर यकीन करेंगे ठीक है लेकिन जो नहीं रखते वो उस पर कम अग्रेशन शो करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट में ये एक रिलेशनशिप आ गया जिसमें हमने देखा कि एक ग्रुप जो के बिलीव नहीं रखता एक ग्रुप जो के बिलीव रखता है इंट्रेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल चलती आ रही है आगे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें दो टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर रहा था पहले हम सिर्फ एक को हम पढ़ते आ रहे थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या फर्क है अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं इस चैप्टर में हम ये स्टडी कर रहे हैं दिस मीन्स दैट द रिजल्ट में कंटेन एंड इंट्रेक्शन जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो वो इंट्रेक्शन रिजल्ट उनके रिजल्ट में इंट्रैक्शन होती है और फिर ये थोड़ा इजी से कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चलते आ रहे हैं अब यहाँ पर सोशल लोफिंग का एक एक्सपेरिमेंट है बाय ब्रिकनर हार्कन एंड ऑस्ट्रम ने दिया ये सोशल लोफिंग हम सब इस टर्म से वाकिफ है कि जब ग्रुप में लोग काम करते हैं तो वो ज्यादा इनपुट नहीं लगाते अब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है अगर एक ग्रुप है ठीक है जिसके, जिसके जिसमें ऐसी उनसे कोई काम करवाया जा रहा है जिसमें उनका कुछ नहीं जाता ठीक है तो वो उसमें कम इनपुट लगाएंगे लेकिन अगर उनको जाति कोई फायदा हो रहा है तो वो ग्रुप में भी ज्यादा इनपुट देंगे अब ये किस तरह किया गया जैसे इन्होंने यहाँ पर ट्वेल्व मिनट्स पीरियड उन्होंने बताया एक प्रपोजल का उन्होंने कहा कि ये सीनियर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो स्टूडेंट इसे पास करेगा उसी के मुताबिक मतलब मतलब ग्रेजुएट में उसको um, मतलब उन्होंने का, उन्होंने एक कम्प्रीहेंसिव एग्जाम बना के दिया और उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से सोल्व करेंगे जो आप अपनी राय देंगे उसको आपकी ग्रेजुएशन से पहले आपके जो ग्रेजुएशन के रूल्स हैं आप समझ लें कि उसमें इम्पलीमेंट किया जाएगा उनको एड किया जाएगा अब लो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कंडीशन दो कंडीशन है लो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कंडीशन और हाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कंडीशन लो पर्सन इन्वॉल्वमेंट कंडीशन में वाले ग्रुप को आप ये नहीं बताते आप ये कहते हैं कि ये आपके नहीं किसी और कॉलेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा हाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कंडीशन वाले ग्रुप को कहा जाता है कि ये आपके ही कॉलेज में आपके ग्रेजुएशन से पहले इम्पलीमेंट किया जाएगा और इससे आपको फायदा होगा अब जो लो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट वाली कंडीशन थी वो उसमें अंदर ज्यादा इनपुट नहीं देंगे ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे सोशल लॉक होगी क्योंकि उनका फायदा नहीं हो रहा अपने रिड्यूस एफर्ट उनकी जो एफर्ट होगी वो कम होगी इंडिविजुअल की जबकि हाई जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कंडीशन है उसके अंदर उनकी इनपुट ज्यादा होगी ठीक है क्योंकि हर हर बच्चा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि हर किसी को पता चल रहा है कि हर किसी के पॉइंट्स को नोट किया जाएगा तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है सोशल का अब इसमें सेमराइज मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ थाट्स जो कि जनरेट हुई हैं वो फोर कंडीशन है लो आइडेंटिफेबिलिटी एंड लो इन्वॉल्वमेंट लो आइडेंटिफेबिलिटी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट हाई िटी एंड लो इन्वॉल्वमेंट हाई आइडेंटिफेबिलिटी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट ये चार किस्म के रिलेशन जो इंटरेक्शन पर जनरेट हो रही हैं अब इसके रिजल्ट्स में क्या आया कि जो सोशल लोकिंग है लो नंबर ऑफ थॉट्स वो जनरेट होती हैं विद लो एज अपोज टू द हाई दाईडेंटिफेबिलिटी अकर्स विद अ लो इन्वॉल्वमेंट टास्क बट नॉट विद हाई इन्वॉल्वमेंट वन ठीक है तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है लेक्चर नंबर फाइव मैंने अपनी से पूरी कोशिश की है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवा सकूँ फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं अपने एल एम एस पर जाकर टीचर को कमेंट करके पूछ सकते हैं लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपना ख्याल रखेगा खुदाफिज